हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AMU एंट्रेंस रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 7 से 8 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जो AMU के एंट्रेंस रिजल्ट हैं वो 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर से आना स्टार्ट होंगे, और ऐसा ही हुआ। आज यानी कि 14 दिसंबर से AMU के जो एंट्रेंस रिजल्ट हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्लस आपको बताएंगे जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं AMU के वो कब तक डिक्लेयर होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज यानी कि 14 दिसंबर 2020 को AMU के M.Tech का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, M.Tech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल का जो एंट्रेंस रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, प्लस MSc के कुछ रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 11 साइंस B.Tech BBA BCA BSc BA BCom की कि उनका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है AMU कंट्रोलर। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे AMU कंट्रोलर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली AMU एग्जाम्स कंट्रोलर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे। ये AMU की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में नोटिस एंड अपडेट्स के नीचे रिजल्ट ऑफ M.Tech प्रोग्राम एडमिशन टेस्ट डिक्लेयर। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग ये न्यू लिखा हुआ देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं M.Arch, MSc, M.Tech, M.Tech केमिकल, M.Tech सिविल, ये सभी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। आपको बता दें रिजल्ट जो था 4 बजे के समथिंग आ चुका था, मगर ये वेबसाइट पर जो है अभी 10 से 15 मिनट पहले शो हुआ है। ये वीडियो शूट हो रही है 6:30 के समथिंग, 6:30 बजे के समथिंग, तो वेबसाइट पर ये अभी शो हुआ है, मगर जो रिजल्ट था आपका 4 बजे डिक्लेयर हो गया था। यहां पर आप लोग क्लिक हियर पर क्लिक करके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे लिस्ट जो है आ चुकी है, तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक उनके रिजल्ट के लिए। अब चलते हैं कैमरे की तरफ और जानते हैं कि 11 साइंस डिप्लोमा B.Tech का जो रिजल्ट है वो कब तक आने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट तो आपने चेक कर लिया कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। अब बात आती है क्लास 11 साइंस डिप्लोमा B.Tech BA BSc BCom की कि उनका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो देखिए 14 दिसंबर यानी कि आज से रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और 30 दिसंबर तक सभी कोर्सेज के रिजल्ट आने की संभावना है। हो सकता है जिनके एंट्रेंस एग्जाम 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 30 नवंबर, 29 नवंबर को हुए थे, उनका हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आए, मगर बाकी सभी कोर्सेज के जो रिजल्ट्स हैं वो 30 दिसंबर तक आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं 11 साइंस के वो ये हैं कि 20 या 22 दिसंबर तक उनका भी रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक उनके रिजल्ट के लिए, और अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई और अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, वहां से आप हमें फॉलो कर लिए, आप लोग वहां पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।